हे सो गाइस, आई होप यू आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज अपन हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स व्हिच यू शुड ऑब्वियसली बाय फॉर लॉन्ग टर्म एंड आल्सो व्हिच हैव बेनिफिटेड बिकॉज़ ऑफ द बजट। ये स्टॉक्स वो है जो आगे जाके बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देंगे एंड बजट में भी इनमें काफ़ी अच्छी बात है। वैसे मिडिल क्लास के लिए इतना कुछ अच्छा खासा बजट था नहीं, लेकिन मार्केट को बजट बॉक का बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट को ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। ये रिकॉर्ड्स टूट गए हैं यहाँ पर मार्केट हाई लगने के ऑन द बजट डे ऑब्वियसली, सो दिस इज रियली गुड थिंग। सो अभी हम देखते हैं, पहला स्टॉक है हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफ़ी सारे राहत दी है यहाँ पर, एंड आप देख ही सकते हैं ऑन डे यहाँ पर 1142 को स्टॉक 862 पे ट्रेड करा था एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर 1147 को ये 892 तक टच कर गया था। यानी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 1143 एंड 1147 को यहाँ पर कहाँ से कहाँ स्टॉक चला गया। सो ये होती है यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग। आपको आपने शायद बजट पूरा देखा नहीं होगा, मैंने पूरा लगा के देखा था क्या क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। साइमल्टेनियसली स्टॉक्स देख रहा था क्या क्या कैसे कैसे रन कर रहा है यहाँ पर। लाइफ इंश्योरेंस का आ गया तो मैं ये सारा लाइफ इंश्योरेंस वाला चेक किया, तो वो बात चालू ही थी। अगला स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो। आप सभी को अभी तक पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है इस स्पेशली बजट में, एंड लार्सन एंड टूब्रो को मैं बहुत पहले से ही सजेस्ट करते आ रहा हूँ, खरीदो एल एंड टी, बहुत अच्छा आप मूव मिलेगा। लोगों को मिला भी वो अप मूव, एंड बहुत पहले ही सजेस्ट किया था यहाँ पर, कोरोना के टाइम पे बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, खरीद लो। अभी भी यहाँ पर और बहुत सी अप मूव आने बाकी है लॉन्ग टर्म के लिए। इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक विच यू कुड हैव इन योर पोर्टफोलियो। अभी भी टाइम नहीं गया है, भले ही 8% ऊपर हो लेकिन अभी भी टाइम नहीं गया है, हमेशा से कह रहा हूँ। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में क्यों पीछे रहेगी। सीमेंट इंडस्ट्री वुड ऑल्सो अर्न साइमल्टेनियसली, क्योंकि इनका जो डिमांड है वो इलास्टिक है एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस बढ़ेगा, तो सीमेंट इंडस्ट्री का भी डिमांड और यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा। सो दे आर बोथ इलास्टिक टू ईच अदर, एंड इसकी वजह से सीमेंट स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिले हैं आज के दिन। अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, अच्छा खासा इन द लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। आप देख सकते हैं वन ईयर का ओपन कर देता हूँ, वन ईयर ने भी इसने काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट्स दिए हैं। सो आगे चल के भी ये काफ़ी अच्छे जब बिजनेस आएगा, रिजल्ट अच्छे देगा, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा, तब भी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। अगला स्टॉक है आईटीसी। तो यहाँ पर आईटीसी के इन्वेस्टर्स तो खुश ही हो गए, क्योंकि होता क्या है, मैंने कल के वीडियो में भी बात की थी, यूजुअली बजट में जो टोबैको इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। अभी यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया गया, यानी बड़ा टैक्स तो है ही, पहले बढ़ाया हमेशा जाता है, बढ़ाया नहीं गया। तो उसी न्यूज़ के वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीसी में भी सिमिलर बातें हुई, आईटीसी भी डायरेक्ट जंप कर गया एंड यहाँ पर 6.24% ऑन इंट्राडे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। सो आईटीसी के इन्वेस्टर पहले से बहुत खुश हो गया। अभी बहुत से लोग ने यहाँ पर आईटीसी को पुट यहाँ पर आईटीसी की खरीदी हुई थी, तो आईटीसी यहाँ पर उन्हें लगा था कि गिरेगा, बट आईटीसी ने झटका दे दिया। इसलिए हमेशा यहाँ पर हमें न्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओ स्मार्ट बनने जाओगे तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। ओके, अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस स्टॉक, क्योंकि अगर आपने बजट देखा है, आपको समझा है, तो आप सभी को बहुत सी चीज़ें पता भी चल गई होगी क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अदानी को सब जा रहा है, अदानी को प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम कर तो नहीं सकते कुछ, मिडिल क्लास आदमी कर क्या सकता है। और मिडिल क्लास आदमी ये बात कर सकता है कि अगर अदानी कमाएगा तो उसका स्टॉक भी बढ़ेगा, तो हम उसका स्टॉक ले सकते हैं। अदानी कमाएगा तो हम भी कमाएंगे यार, और हम और कर भी क्या सकते हैं, हम थोड़ी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बन के थोड़ा कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अभी उनके हाथ में है, तो अभी जो चल रहा है उनके हाथ में, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अदानी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदानी कमाएगा तो हम भी कमाएंगे साइमल्टेनियसली। सो यही बात है जो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं एंड हम शायद आपको करना भी चाहिए। ओके, सो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर अच्छा खासा इन द लॉन्ग टर्म कमा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस आने वाला है इसके पास। ओके, आई होप यू वीडियो सभी को पसंद आ चुकी होगी। इट्स अ होस्ट पर्सन हाउ सी माय।